जैसे ही मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट होता है यानी हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट शुरू होते हैं, सबसे पहले वाइफ 498A के एफआईआर को दर्ज कराती है। जैसे ही वो एफआईआर दर्ज होती है तो आप समझ जाइए कि प्रॉब्लम शुरू हो गई है, बिकॉज एफआईआर के बाद काफी लंबी प्रक्रिया होती है, चार्जशीट होती है, कोर्ट में ट्रायल होती है और आगे हो सकता है कि उसमें सजा भी हो। अब जब इतना लंबा प्रोसेस होता है तो मेरे साथ कई क्लाइंट आते हैं और पूछते हैं कि सर अब क्या होगा, हम एंटीसिपेटरी बेल कब लगाएं, कब हम एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाएं, ट्रायल कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग्स होगी, हमारे गवाह कब होंगे, हम क्या लेके आ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम एक डिटेल वीडियो बनाएं जहां पर हम 498A आईपीसी की पूरी ट्रायल को एफआईआर से लेके जजमेंट तक पूरा आज हम उसमें डिस्कस करें। हम टोटल इस वीडियो में 12 स्टेजेस की बात करेंगे और अगर आपने ये 6-7 मिनट का शॉर्ट वीडियो देख लिया तो आप 498A की पूरी ट्रायल को अच्छे से जान जाएंगे। ना सिर्फ 498A की बल्कि कई सारे ऑफेंसेस की जो जनरली हम लॉ में हम देखते हैं कमिट होते हैं, उन सब की आप ट्रायल को जान जाएंगे क्योंकि प्रोसेस लगभग सब में सेम रहता है। तो वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको कानून जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं 498A के अंदर होने वाली टोटल 12 स्टेजेस की। सबसे पहली स्टेज होती है जब वुमेन यानी जो लड़की होती है, वाइफ होती है, वो जाके एक कंप्लेंट दर्ज कराती है वुमेन सेल में। कभी भी जाके सीधा एफआईआर दर्ज नहीं करती है पुलिस, वो पहले वुमेन सेल में कंप्लेंट दर्ज होती है, उसे हम हिंदी में परिवाद कहते हैं। वहां जब कंप्लेंट या परिवाद दर्ज होता है तो उस परिवाद दर्ज होने पर जो पति पक्ष के लोग होते हैं यानी पति, ससुर, सास, देवर, ननद, जो भी जिनको पार्टी बनाते हैं, उन सबको नोटिस देके बुलाया जाता है कि सर आपके खिलाफ परिवाद दर्ज हुआ है, आप यहाँ पे थाने में। और जैसे परिवाद दर्ज होता है और वो सभी पार्टी सामने वाली आती है तो उसके बाद उसको मीडिएशन सेल यानी जो मध्यस्थता केंद्र होता है पुलिस थाने का, वहां पे ये मैटर रखा जाता है और पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है और वो जो भी पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आयु होते हैं वो ये ट्राई करते हैं कि दोनों पक्षों में मध्यस्थता हो जाए। अगर मध्यस्थता हो जाती है तो वहीं राजीनामा लिखवा के जो भी मामला होता है वो सॉल्व कर लेते हैं, जो भी स्त्री धन लेना देना होता है वो सब कर लिया जाता है और वहीं पे पूरा मामला खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा काफी कम होता है, बिकॉज हमने ऐसा फील किया है कि जब भी कोई नई एफआईआर दर्ज होती है या जब भी लड़की की साइड से कोई एफआईआर दर्ज होती है तो सब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और सबको ऐसा फील होता है कि हम तो अगले को फांसी पे लटकाएंगे। ये एक हमने जनरल एक्सपीरियंस फील किया है, इसलिए काफी हद तक मीडिएशन की सफलता की रेट कम हो जाती है। लेकिन अगर मीडिएशन हो गया तो वेल एंड गुड। और यहाँ पे मैं आपको मेरी एडवाइस दूं पर्सनल कि जितना पॉसिबल हो सके मध्यस्थता से सॉल्व कर लीजिए, कोर्ट में अपना समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है अनलेस कि आपके साथ बहुत ग्रेव इनजस्टिस हुआ हो। अब अगर मध्यस्थता सफल नहीं हुई है तो पुलिस अल्टीमेटली एफआईआर को दर्ज करती है और यहाँ से आती है आपकी सेकंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में एफआईआर दर्ज होगी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं इसको, सेक्शन 154 सीआरपीसी में दर्ज की जाती है। उसकी एक कॉपी कंप्लेनेंट को निःशुल्क दी जाती है और अगर आप एक्यूज्ड हैं तो आपको संबंधित मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा के उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेनी होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहले तो कि कहीं पुलिस मुझे अरेस्ट ना कर ले, इसलिए इमीडिएटली आप 438 सीआरपीसी में अग्रिम जमानत लगाइए। अग्रिम जमानत आपके पहले सेशन कोर्ट में लगती है, सेशन कोर्ट में मिल जाती है जमानत तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में 438 सीआरपीसी यानी अग्रिम जमानत लगाइए। 99.99% केसेस में 438 आपको हाई कोर्ट से जनरली ग्रांट हो जाती है अनलेस कि कोई ग्रेव इंजरी हो या कोई ऐसे सीरियस एलिगेशंस हो जिस पे कोर्ट रोक दें, क्योंकि हर बेल मेरिट टू मेरिट डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा हमें देखने को पाया गया कि जनरली आपको 438 एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है और उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये भी है, अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जो ये कहता है कि 7 साल तक के ऑफेंसेस में अब आप 41A का नोटिस दिए बिना अरेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए जनरली आपको इन मामलों में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। दूसरा आपके पास तरीका होता है 482 सीआरपीसी की एफआईआर क्वेश्चन पिटीशन डालने का, जो आप सीधा हाई कोर्ट में डाल सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि जो एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज की गई है वो दुर्भावना से की गई है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस उसमें नहीं बनता है, इसलिए एफआईआर को क्वैश किया जाना चाहिए यानी निरस्त किया जाना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन में आपको इमीडिएटली दोनों फाइल कर देना चाहिए। उसका कारण ये है, कई बार हमें नहीं पता होता है कि बेंचें क्या है, कौन से ऑनरेबल जज बैठ रहे हैं, किसका क्या व्यू रहता है, इसलिए जहां से रिलीफ मिले एक बार आपको स्टे ले लेना चाहिए ताकि आपकी गिरफ्तारी का खतरा टल जाए। तो पहले स्टेज में आपने कंप्लेंट दर्ज कराई, अगर मध्यस्थता नहीं हुई तो दूसरे स्टेज में आपने एफआईआर दर्ज कराई, और अगर दूसरे स्टेज में एफआईआर दर्ज होती हम आते हैं तीसरी स्टेज की तरफ, जहां पे हमने बात करी 438 सीआरपीसी की और 482 सीआरपीसी की, जहां पे हम एंटीसिपेटरी बेल या फिर एफआईआर क्वेश्चनिंग पिटीशन लगाते हैं। ये थर्ड स्टेज तक की बात हो गई। अब फोर्थ स्टेज में हम आते हैं जहां पे होती है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो आप एफआईआर दर्ज करवाती हैं, जो भी वाइफ दर्ज कराएगी, उसके बाद पुलिस का काम है उसमें इन्वेस्टिगेशन करना। तो फोर्थ स्टेज में हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की यानी अनुसंधान की। वहां पर पुलिस सभी पक्षों के गवाहों के बयान लेते हैं, इन बयानों
को सेक्शन 161 सीआरपीसी के अंतर्गत लिया जाता है और पुलिस में दिए गए बयान किसी भी तरह से किसी भी कोर्ट में मान्य नहीं माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुलिस ने अगर बयान लिए होंगे तो वो बड़ा धमका के जोर जबरदस्ती आपसे लिखवाए होंगे, इसलिए हो सकता है तो आपके उसके एविडेंटरी वैल्यू को जीरो माना जाता है। इसलिए आप पुलिस में कभी कुछ बयान भी दें तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा ट्रायल में किया जा सकता है, इसलिए जितना हो सके अपनी सही बातों को आप 161 में रखें। तो पुलिस आपके बयान लेगी, इधर पक्ष भी लेगी उधर पक्ष भी लेती है, सारी जगह से पुलिस बयान लेती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। साथ ही साथ क्योंकि हर 498A के मैटर्स में जनरल स्त्री धन का काफी मामले होते हैं, यानी जो लड़की अपने घर से सामान लेकर आई होती है या जो उसको ससुराल से चुराया गया होता है सामान, वो भी स्त्री धन में आता है, तो उसका लेन देन का भी होता है। तो वो पुलिस वो सारा सामान कलेक्ट करती है और एक स्लिप बनाकर उस फर्ज जब्ती से उसको स्लिप बनाकर अल्टीमेटली वो लड़की के साइड वालों को दे देती है और उनसे साइन करवा लेती है। तो इस सब तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर पुलिस को लगता है कि कोई भी तरह का अगर जुर्म नहीं बन रहा है तो उससे वो क्लोजर रिपोर्ट लगा के बंद कर देती है। लेकिन अगर उसको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं क्रूअल्टी हुई है और 498A का ऑफेंस बनता है तो वो उनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानकर अल्टीमेटली चालान फाइल कर देते हैं कॉम्पिटेंट ट्रायल कोर्ट में। और जब कॉम्पिटेंट ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते हैं तो यहीं से आपकी फिर स्टेज शुरू होती है, क्योंकि अगर FIR लगा दी है तो एक मौका दिया जाता है कंप्लेंट को कि आप चाहें तो वापस खुलवा दें प्रोटेस्ट में, और अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो चार्जशीट फाइल होते ही एक्यूज पर्सन को यानी जो पति ससुर सास ससुर जो भी जिनके खिलाफ वो जुर्म प्रमाणित मानती है उनको कोर्ट में बुलाया जाता है और उनसे मुचलका भरा जाता है कि भाई आप अपनी बेल को सिक्योर कर लीजिए, आप चार्जशीट की कॉपी ले लीजिए, क्योंकि सेक्शन 207 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग एक्यूज को फ्री कॉपी ऑफ चार्जशीट देना जरूरी है। इसलिए जैसे चार्जशीट फाइल होती है तो आपको एक चार्जशीट की कॉपी मिलती है ताकि आप अपना प्रॉपर डिफेंस तैयार कर सके। तो ये 5 स्टेज तक आपने देख लिया कि सपोज चार्जशीट फाइल हो गई है और आपके खिलाफ जुर्म प्रमाणित मान लिया है और कोर्ट में उन्होंने फाइल कर दी है। अब आती है 6 स्टेज। जैसे ही चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो उस चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लेते हैं। कॉग्निजेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रसंज्ञान। आप देखेंगे कि जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है आपको नेक्स्ट ऑर्डर शीट मिलेगी जहां लिखा जाता है कि सो एंड सो एक्यूज के खिलाफ सो एंड सो सेक्शन में हम प्रसंज्ञान लेते हैं और उसके लिए हम आगे उसको प्रोसीड करते हैं। तो 6 स्टेज में होता है कॉग्निजेंस। आप चाहें तो उसको चैलेंज कर सकते हैं सेशन कोर्ट में रिविजन पिटीशन लगा के और वहां से खारिज हो जाए तो हाई कोर्ट में 482 की पिटीशन लगा के। कॉग्निजेंस की स्टेज की जो 6 स्टेज होती है उससे एक स्टेज और जब आगे बढ़ते हैं तो 7th स्टेज आती है चार्ज फ्रेमिंग की। कॉग्निजेंस ले लिया उसके बाद अब कोर्ट 7th स्टेज में चार्ज फ्रेम करता है। चार्ज फ्रेम इन द सेंस कोर्ट को ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ चार्जशीट आई है, हमने प्रसंज्ञान लिया है और वो आपको आरोप सुनाता है। आरोप सुनाते हुए बोलता है कि सर आपने इस तारीख को इस तरीके से आपने दहेज के लिए मांग की इसलिए आपके खिलाफ 498A का हम चार्ज बनाते हैं, या आपने स्त्री धन वापस नहीं दिया इसलिए हम आपके खिलाफ 406 का आरोप कि हम आपको सुनाते हैं। तो ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होती है 7th स्टेज। आप चाहें तो यहाँ पे डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं और कुछ ऐसे एविडेंसेस लाना चाहें तो भी ला सकते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट को लगता है कि आपके खिलाफ डिस्चार्ज की एप्लीकेशन में कुछ दम है तो शायद आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम ना करके आपको डिस्चार्ज कर दे, लेकिन जनरली हमने देखा कि वो फ्रेम तो चार्ज करते ही करते हैं। तो यहाँ तक 7th स्टेज तक हो गए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब 8th स्टेज में जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाह शुरू होते हैं। इसे कहते हैं प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेना, PE1 PE2 PW1 जैसे हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस, PW1 PW2 ये सब आते हैं। प्रोसिक्यूशन यानी जो लड़की की साइड से गवाह होते हैं उनको प्रोसिक्यूशन बुलाता है। जनरली पीपी साहब एक लिस्ट देते हैं कोर्ट में कि सर हम इन गवाहों को बुलाना चाहते हैं जो लड़की की साइड से हैं, जो आके प्रूव करेंगे कि 498A का यानी दहेज को परेशान करने का जो भी हम ऑफेंस बना रहे हैं वो घटित हुआ है। उनके सारे विटनेस को बुलाया जाता है। जैसे ही विटनेस को बुलाया जाता है सबसे पहले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उसका एग्जामिनेशन इन चीफ यानी मुख्य परीक्षण करते हैं। जैसे ही मुख्य परीक्षण करते हैं उसके साथ साथ जो ऑपोजिट काउंसिल होता है यानी जो हस्बैंड के साइड से जो डिफेंस काउंसिल होता है उसको मौका दिया जाता है उसको क्रॉस करने का। सपोज कोई भी लड़की की साइड से आके गवाह देता है जो 1, 2, 3, 4 बात बोलता है तो जो डिफेंस काउंसिल होता है जो हस्बैंड की साइड से वकील होता है वो आकर उसमें क्रॉस करता है और उनसे तोड़ने की कोशिश करता है ताकि उनको अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट में कुछ ना कुछ ग्राउंड मिल जाए और उसको वो अच्छे से आर्ग्यू कर सके। 8th स्टेज में प्रोसिक्यूशन के एविडेंस हो गए। जब सारे प्रोसिक्यूशन के एविडेंस जाते हैं यानी लड़की की साइड से सभी गवाहों को बुलाया जाता है, इस 8th स्टेज के बाद 9th स्टेज पर आती है सेक्शन 313 सीआरपीसी की स्टेज जिसे एक्यूज का एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। यानी अगर सपोज आपके खिलाफ 498A का कोई मामला बन रहा है तो कोर्ट आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगी 313 के बयान किसते हैं उसे कि आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपने डिफेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। इस स्टेज पे आप जितने अपने एविडेंसेस और डिफेंस लाना चाहते हैं आप लेके आइए और अपनी सारी बातों को सारे तथ्यों को रखें ताकि कोर्ट अपने अच्छे से आगे प्रोसीड कर सके। अब ये 9th स्टेज के बाद 10th स्टेज आती है डिफेंस विटनेस की। पहले आपने देखा लड़की के साइड से प्रोसिक्यूशन विटनेस आते हैं वो सारे गवाह देते हैं, फिर आपने 313 में आप अपने बयान देते हैं एज एक्यूज्ड, फिर 10th स्टेज में आती है डिफेंस की विटनेस यानी हस्बैंड की साइड से कोई अगर आप गवाहों को लेकर आना चाहते हैं तो आप उन गवाहों को लेकर आते हैं, उसके अब लिस्ट देते हैं कोर्ट में, बोलते हैं कि सर हमारी तरफ से भी 3, 4, 5 जो भी गवाह हैं जो इस बात को प्रूव करेंगे कि साहब हमने 498A नहीं किया है, तो उसका प्रोसेस भी वही रहता है। आप डिफेंस विटनेस को
को लेकर आते हैं, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ करवाते हैं, फिर जो सामने वाला पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है या सपोज लड़की की साइड से कोई प्राइवेट लॉ वकील है, वो आके उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। तो ये 10th स्टेज तक सारे एविडेंस की बात पूरी हो चुकी होती है। अब 11th स्टेज आती है और जहां पे फाइनल आर्गुमेंट होते हैं, क्योंकि देखिए प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेस हो गए, डिफेंस के सारे विटनेस हो गए, सभी के क्रॉस एग्जामिनेशन हो गए और फिर आता है फाइनल आर्गुमेंट, जहां पर दोनों साइड के वकील अपने पक्षों की बात को रखते हैं और डिटेल में आर्ग्यू करते हैं कि कैसे ऑफेंस बना है और कैसे डिफेंस काउंसिल बोलता है कि ये ऑफेंस नहीं बना है। ये सारे फाइनल आर्गुमेंट जब हो जाते हैं तो 12th स्टेज पे कोर्ट आती है और फाइनली अपना वर्डिक्ट सुनाती है, और यहां पे आती है आपकी 12th स्टेज जहां पे आपको मिलता है फाइनली कोर्ट का ऑर्डर। अब कोर्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या कोर्ट चाहे तो वो आपको एक्विट कर सकती है, यानी आपको बोल सकती है कि आपके खिलाफ 498 ऑफेंस नहीं बना, तो वेल एंड गुड। अगर उनको लगता है कि नहीं 498 ऑफेंस बनता है तो आपको सजा सुनाएगी, और सजा सुनाने के बाद आपको 30 दिन का जनरली समय दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि हम आपको सजा सुना रहे हैं, आपको अपील करने का समय है, आप अपील कर लीजिए और वहां से जाकर सेंटेंस को सस्पेंड करा दीजिए ताकि आपको जेल ना जाना पड़े। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है, वो चाहें तो कन्विट भी कर सकते हैं और एक्विट भी कर सकते हैं। तो आपने देखा ये होती है टोटल 12 स्टेज एफआईआर से लेकर कन्विक्शन या एक्विटल तक। इस वीडियो को देखने के बाद भी फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट में जाके बताएं, या आपको लगता है कि आपके जीवन में इस तरह की कोई समस्या है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी भी मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, तो आप हमसे लीगल ओपिनियन लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।